लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड देन 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 डिजाइनर केक मैम सबसे पहला काफी गुड मच बिग ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इट इज नाइस वन बाय वन सस्टेनेबिलिटी फैशन डे है आज लैक्मे फैशन वीक एंड एफटीसीआई पर बहुत खूबसूरत महसूस करती हूँ जब एक सस्टेनेबल फैशन ब्रांड के लिए मुझे चलने का मौका मिलता है क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये बहुत गहरी सोच और प्यार के साथ बने हैं और इस विश्वास के साथ बने हैं कि जो भी पहनने वाला हो वो उसे सदियों तक पहन पाएगा विल बी एबल टू लेंड दीज एंड पास देम ऑन। इनका की जो सबसे खूबसूरत बात थी इस कलेक्शन की वो ये थी कि कपड़े सारे फ्लूइड हैं दे आर नॉट फिटेड टू फॉर्म तो आप किसी भी यू नो एज या स्टेज पे हो सकते हैं अपने लाइफ में यू कैन फील ब्यूटिफुल विद इन योर बॉडी विद इन द सिल्वेट इन एनी शेप। सो आप एक मॉडल रह चुकी हैं आपने खिताब जीता था ब्यूटी पैजेंट जीता था और आप कई दफ़ा वैसे चल चुकी हैं लेकिन खूबसूरती के आपके लिए क्या मायने? आई थिंक ये मैं 2000 से कहती हुई आ रही हूँ और ये मेरा जवाब कभी नहीं बदलेगा। ब्यूटी इज़ व्हाट ब्यूटी डज। ब्यूटी वही है जो ब्यूटी करता है। आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आप किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और क्या एहसास लोगों में जगाते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू ब्यूटिफुल। ये तो मतलब कमाल की चीज़ है, आपने देखी। तो इस कलेक्शन का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है ये एक्सेसरीज जो आज बने हैं। ही इज एक्चुअली अमित हंसराज इज अ एविड लवर ऑफ क्राफ्ट एंड लेगेसी एंड हिस्ट्री और उन्होंने बहुत मेहनत से ये बहुत पुराने वॉच पीसेस कलेक्ट किए हैं और उनको नेक पीसेस में मतलब ट्रांसफॉर्म किया है एंड ही इज बीन सो जेनरस। फिटिंग्स के टाइम मैंने एक पीस ट्राई किया था और उन्होंने कहा ये आप रख लो क्योंकि दैट पीस डजंट हैव द डिस्प्ले इट ओनली हैज द मैकेनिक्स ऑफ द वॉचेस एंड इट्स सच अ पावरफुल पीस आई कांट वेट टू वेयर इट एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू बट दिस इज व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज अबाउट अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग रीपर्पसिंग रीयूजिंग एंड बीइंग एबल टू क्रिएट स्टेटमेंट्स थ्रू द थॉट of your actions. Diya, how would you describe your personal style as? What do you describe my personal style as? I guess less is more. Yeah. Do you remember your first time when you walked in? Yeah. मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप भी इस बात से वाकिफ होंगी कि हमारे देश में सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा समझते हैं लोग। मैं जब बड़ी हो रही थी मेरी दादी मेरी मॉम घर के सारे जो सदस्य हैं हर चीज़ को रिसाइकल और रीयूज़ करते थे। प्लास्टिक का तो उपयोग होता ही नहीं था तब तो मार्केट में उतना प्लास्टिक मिलता भी नहीं था। हर चीज़ जो खाने की सामग्री है वो किराने की दुकान से आती थी गोनियों में कपड़ों के थैलों में सब्जियाँ आती थी तो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की परेशानी हम झेल रहे हैं वो तो होता ही नहीं था। लेकिन जो रीयूजिंग है आई मीन इनफैक्ट इतनी सिंपल चीज़ है हमारी दादी जो चाय के डब्बे होते थे उनके स्ट्रिप्स बना देती थी क्योंकि उसमें प्लास्टिक नहीं लगता था वो सिर्फ पेपर के बनी होती थी उनके स्ट्रिप्स बनाती थी और उन स्ट्रिप्स से चूल्हा जलाती थी। तो इट्स अबाउट हाउ यू रन योर होम्स हाउ यू कंज्यूम। हम जानते हैं कि हमारी नानी परनानी दादी परदादी उनकी जो साड़ियाँ होती हैं हम कितने प्राइज्ड पोजेशंस मानते हैं उनको और हम उनको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक जब सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो हमें ये समझ लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम पहनते हैं खाते हैं अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में उपयोग करते हैं वो प्रकृति से ही आता है और दो चीज़ें हैं। एक वो जो प्रकृति में वापस जाता है तो ऐसे जाए जहाँ पे प्रकृति निर्नष्ट ना हो उसमें प्रदूषण ना फैलाए और दूसरा ये कि जब हम यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ वो ये सोच के और समझ के यूज़ करें कि ये कहीं से आ रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा है हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनलिमिटेड सप्लाई है। द अर्थ हैज़ ओनली दैट मच and we have to be mindful in the way we consume. Thank you so much. Thank you. Let's do a picture. Thanks.